हेलो एवरीवन, दिस इज दैन मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, यहां पर जो हमें इंटीजर्स गिवन है 12, 15 एंड 21, इसका बच्चों हमने एलसीएम और एससीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखें, हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इन सब तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 12 का। तो बच्चों, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 द, और बच्चों 6 जाएगा हमारा 2 3 द, तो बच्चों 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो बच्चों 3 1 द। ओके, उसके बाद बच्चों हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे 15 के, तो बच्चों 15 जाएगा हमारा 3 के टेबल पे, 3 5 द, और बच्चों 5 1 द। ओके, उसके बाद बच्चों यहां पर है 21 21 जाएगा हमारा 3 के टेबल पे, 3 7 द एंड 7 1 द। और बच्चों इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमने यहां पर लिख लेने हैं, 12 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है 2 into 2 into 3, और बच्चों 15 के हमारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं 3 into 5, एंड 21 के बच्चों हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 into 7। अब बच्चों इसका हमने फाइंड करना है एलसीएम एंड एससीएफ। तो बच्चों एससीएफ हमारा क्या होगा सबसे पहले, अब बच्चों एससीएफ हमारा होगा 21 का। तो बच्चों इन तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स का कॉमन होगा तीनों में, वो हमारा क्या होगा, एससीएफ। तो बच्चों यहां पर जो कॉमन है तीनों में, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो ओनली 3 है। चेक कर लो बच्चों, तीनों में जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है वो ओनली 3 है, तो इसलिए बच्चों 12, 15 एंड 21 का जो एससीएफ है वो हमारा 3 है। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि एससीएफ क्या होता है, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, उसके बाद बच्चों एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 12, 15 एंड 21 का। तो बच्चों देखिए, जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी फैक्टर की, जो हाईएस्ट पावर होगी, तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा 2 प्रेजेंट है, 2 की हाईएस्ट पावर ये होल केसेस में 2 है, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 2 raised to power 2। ओके, 2 raised to power 2। उसके बाद बच्चों देखिए, तीनों केसेस में 3 1 1 टाइम अपीयर हो रहा है, मतलब 3 की हाईएस्ट पावर होल केस में 1 है। अब बच्चों 5 और 7, ठीक है ना, 1 1 टाइम अपीयर हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों की भी हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 1 ही है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यहां से हम 1 को रेज कर देते हैं, रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, 1 लिखने की बच्चों जरूरत नहीं होती। तो बच्चों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60 and 60 into 7, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7 6 the 42, तो बच्चों ये हो जाएगा 420। ओके बच्चों, तो बच्चों एलसीएम हमारा क्या आ गया, 420। तो बच्चों हमारे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंटीजर्स है वो है 17, 23 एंड 29। तो बच्चों इसके सबसे पहले हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो बच्चों 17 हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि 1 पर और खुद पर आता है, मतलब 1 पर और इटसेल्फ अपने आप पर करता है, उसके टेबल पे आता है, तो बच्चों 17 हमारा 17 के टेबल पे ही जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 23, तो बच्चों 23 भी एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये 23 के टेबल पे ही आएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 29, तो बच्चों 29 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये 29 के टेबल पे ही जाएगा। अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे फैक्टर 17, उसके बाद 23 एंड 29 के। फैक्टर कौन कौन से हैं बच्चों, 17 के हैं 17 into 1, उसके बाद बच्चों 23 के है 23 into 1, और 29 के है 29 into 1। ओके, अब बच्चों एससीएफ हमारा क्या होगा, एससीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। तो बच्चों अब देखें, इन तीनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कि यहां पर ओनली कॉमन हमारा 1 ही आ रहा है, तो इसलिए इनका जो एससीएफ वो 1 होगा। और बच्चों एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम ऑफ 17
23 एंड 29। बच्चों हमारा क्या होगा, देखिए अब हमने यहां पर देखनी है हाईएस्ट पावर। तो बच्चों तीनों केसेस में हमारा 17, 23 एंड 29 वन टाइम अपीयर हो रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, 17 इंटू 23 इंटू 29 ही लिखेंगे इसको। बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पर आएगा 11,339। ओके बच्चों, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 11,339। तो बच्चों एससीएफ क्या आ गया 1। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट, उसके लिए आप इसको नोट कर ले सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहां पर हमने थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25 का एससीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों 8 के हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, तो बच्चों देखें 8 हमारा आएगा 2 के टेबल पे 2, 2 4 द 8 एंड 2, 2 द 4 एंड 2, 1 द 2। ओके, उसके बाद बच्चों 8 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद बच्चों 9, तो बच्चों 9 आएगा हमारा 3 के टेबल पे 3, 3 द 9 एंड 3, 3 द 1। ओके, उसके बाद बच्चों 9 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 3। अब बच्चों 25 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 5, 5 द 25 एंड 5, 1 द 5। तो बच्चों 25 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखें यहां पर हम साथ में अब 1 भी लगाएंगे क्योंकि हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है, 1 के अलावा। अब बच्चों इसका जो एससीएफ होगा हमारा किस किस का, 8, 9 एंड 25 का, वो बच्चों हमारा होगा 1, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में से ओनली 1 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है और कोई नहीं आ रहा। उसके बाद बच्चों जो एलसीएम होगा हमारा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2। तो बच्चों जो हमारी हाईएस्ट पावर आई है नंबर्स की वो हमें लिखना है। तो बच्चों देखिए 2 हमारा 3 टाइम अपीयर हो रहा है, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, 3 हमारा 2 टाइम हो रहा है एंड 5 हमारा 2 टाइम्स हो रहा है। तो बच्चों 3 और 5 की हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। तो बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1800। ओके बच्चों, तो बच्चों दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.